इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ही संकल्पना सांगणारे सत्य आणि अहिंसा हा मार्ग जगाला सर्वात प्रथम देणारे तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, त्यांचेच समकालीन असणारे तथागत भगवान महावीर, या देशामध्ये अभंगाच्या तालावर आणि कीर्तनाच्या जोरावर ज्यांनी प्रबोधन केलं ते प्रबोधनकार म्हणजे वारकरी संप्रदायातले सर्व संत, संत नामदेवांच्या पासून ते संत एकनाथांच्या पर्यंत, ज्या माऊलीच्या कुशीमध्ये या महाराष्ट्राचं नेतृत्व घडलं आणि वाढलं, त्या राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ माँसाहेब आणि या महाराष्ट्राची गेलेली अस्मिता ज्यांनी परत आणून दिली, ज्यांचा स्वाभिमान ज्यांनी परत आणून दिला, ते छत्रपती शिवाजी महाराज, त्या महाराष्ट्राचे पहिले क्षात्रवीर, पहिले संस्कृत पंडित आणि ज्यांनी वयाच्या 14व्या वर्षी इतिहासाचं लेखन करून उत्कृष्ट लेखन सामग्री तयार केली असे उत्कृष्ट पट्टीचे लेखक संभाजीराजे शिवाजीराजे भोसले, हा जो बहुजन समाज अंधकारात अज्ञानाच्या अंधकारात खिचवत पडला होता, त्यांना शिक्षणाची धुरा ज्यांनी मिळवून दिली ते दाम्पत्य म्हणजे महात्मा ज्योतिराव फुले आणि सावित्रीमाई फुले। संविधानाच्या अगोदर ज्यांनी संविधानाची निर्मिती केली आणि कोल्हापूर करवीर मध्ये ज्यांनी 50% आरक्षण बहुजनांना दिलं नाही तर तंतोतंत अंमलात आणून दाखवला, ते राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज। आणि आपण या भारत देशाला जे स्वातंत्र्य झालो असा जो डांगोरा पिटतो गेली 72 वर्ष, त्याच्या स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे 15 ऑगस्ट 1947 नंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी 16 ऑगस्ट 1947 रोजी महाराष्ट्रामध्ये 60,000 कामगारांचा मोर्चा काढून फक्त 1.5 दिवस शाळा शिकलेला रशियापर्यंत मजल मारलेली जे लोकशाहीर झालेले अण्णाभाऊ साठे आहेत त्यांनी छाती थंकावून सांगितलं, ये आजादी झूठी है क्योंकि देश की जनता अभी भी भूखी है।
नहीं है। हमें हिंदू बनाए जाने का षड्यंत्र 5000 सालों से हो रहा है और हम हिंदू बनते जा रहे हैं। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं शेड्यूल्ड कास्ट हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ मैं शेड्यूल्ड ट्राइब हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ मैं ओबीसी हूँ, लेकिन मैं गर्व से कभी नहीं कह सकती कि मैं हिंदू हूँ, क्योंकि ये मेरी पहचान नहीं हो सकती। भारत में आप प्राचीन भारत का अभ्यास कीजिए, आप मध्यकालीन भारत का अभ्यास कीजिए, आप आधुनिक भारत का अभ्यास कीजिए। प्राचीन भारत में जो लिखाई थी वो ब्राह्मणों के हाथ में थी, पढ़ाई थी, पढ़वाने का काम था वो ब्राह्मणों के हाथ में था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ना ही किसी श्रुति में, स्मृति में, और ना ही किसी वेदों में, शास्त्रों में, ना ही किसी महाभारत में, ना ही किसी मनुस्मृति में, ना ही किसी रामायण में, ना ही किसी भगवद गीता में कहीं भी हिंदू अर्थ का शब्द शामिल नहीं है। ये लोग जानते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हम ब्राह्मण है, हमारा धर्म ब्राह्मण है, हमारा वर्ग ब्राह्मण है, हमारा वर्ण भी ब्राह्मण है, और जो हिंदू है वो असल में गुलाम है। इसीलिए गुलामों को गुलाम बनाने की साजिश, गुलामों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र यहाँ से 5000 सालों से हो रहा है। तो मुझे आपसे गुजारिश करनी है कि आपको ना, आप ना ही भारत को हिंदुस्तान कहे और ना ही SC ST OBC को, जो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर NRC का विरोध कर रहे हैं, CAA का विरोध कर रहे हैं, CAB का विरोध कर रहे हैं, तो आपको गुजारिश है मेरी कि आप इन्हें हिंदू ना कहे, तो भी आप आगे लड़ाई जीत जाएंगे। अंग्रेजों ने हमें बांटा हिंदू और मुसलमान के तौर पर। अंग्रेजों ने हमें किस तौर पर बांटा? घोड़ा आणि राज्य करा ही नीति अंग्रेजांनी कुठे वापरली? हिंदू आणि मुसलमानांच्या विरुद्ध वापरली। पण ब्राह्मणांनी या देशामध्ये SC ST OBC आणि मायनॉरिटीचे बरोबर 6743 तुकडे केले। आज या देशामध्ये 6743 जाती आहेत, त्यातल्या 1700 जाती SC ST मध्ये येतात, त्यामध्ये 800 जाती या ST मध्ये शेड्यूल ट्राइब मध्ये येतात, आणि 3743 जाती ह्या OBC मध्ये येतात। मग आपण विचार करू शकतो की आपल्याला दोन गटांमध्ये भांडण करणारा शत्रू मोठा की 6000 लोकांची छकलं पांडून भांडण लावणारा शत्रू मोठा? कोण मोठा आहे यात म्हटलं? कोण मोठा आहे? अंग्रेज आपले खरे शत्रू नव्हते, इंग्रज आपले खरे शत्रू नव्हते, तर ब्राह्मण आपले खरे शत्रू आहेत। त्यामुळे आपण पहिल्यांदा ठरवलं पाहिजे की आपण एवढ्या संख्येने जमणार आहोत तर आपल्याला दशा आणि दिशा मिळाली पाहिजे। आपल्याला कुणीही कुठल्याही पद्धतीचं डायव्हर्टेशन आपल्याला आपण सहन करता कामा नये। त्यामुळे आपल्याला कळलं पाहिजे की मला कुठे जायचं आहे आणि कुठे जाऊन थांबायचं आहे। बहुत अच्छी बात कही है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मजलूमों और जुल्मों की मदद करनी चाहिए, मजलूमों और जुल्मों की मदद करनी चाहिए। मेरी एक बात समझ में आती है, जिसने सुना वो कहने लगा कि साहब एक बात मेरे समझ में आती है कि मजलूमों की मदद करना ठीक है, जो गरीब है, जो आर्थिक स्थिति से गरीब है, जो शिक्षा से गरीब है, जो सामाजिक स्तर से गरीब है, उसकी मदद करना तो लाजमी है, मदद करनी ही पड़ेगी, लेकिन जालिम करने वालों की, जालिमों की मदद कैसे करें? तो मोहम्मद साहब ने जवाब में बहुत अच्छा कहा। वो कहने लगे जो लोग जुल्म करते हैं, जो लोग जालिम हैं, उन्हें जालिम जुल्म करने से रोको, उन्हें डाइवर्ट करो, अच्छी दिशा दिखाओ, ये उनकी क्या करना है? मदद करने जैसा है, तो ये करना चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है कि आपको बताया जाए कि मजलूमों की मदद किस तरह से करनी चाहिए। मदद करनी चाहिए ये दो नंबर की बात है। मैं जो आपसे कह रही हूँ आप बहुत ही शांति से और आपका दिमाग सिर्फ मेरे शब्दों पर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मजलूमों की मदद करनी चाहिए ये बात बराबर है, लेकिन मजलूमों की मदद किस तरह से करना चाहिए, और जब मदद ही करनी है तो मदद ये क्या हो गई? दो नंबर की बात हो गई। पहले नंबर की बात क्या है? मजलूमों की पहचान करवानी होगी। इस समाज में, इस भारत में जो लोग मजलूम हैं, उन्हें पहचानना होगा और फिर मदद करनी होगी। तो पहले नंबर पे क्या आता है? पहचान आती है, और दूसरे नंबर पे उनकी मदद करनी आती है। और अगर पहचानने के लिए हमें अक्सर एक तथ्य ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस देश में जो अकबर आए, इस देश में बाबर आए, इस देश में हुमायूं आए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि ये
महत्वपूर्ण है। ये जो 12 करोड़ मुस्लिम आज की तारीख में भारत में है, उस 12 करोड़ में से अगर हम एवरेज निकाल दें तो 1200 के 12 लाख हो गए। और ये जो 12 करोड़ में से अगर 12 लाख माइनस किए जाते हैं तो 11 करोड़ 88 लाख मुस्लिम कहां से आए? अकबर के साथ, हुमायूं के साथ, बाबर के साथ तो सिर्फ 1200 मुस्लिम आए थे, तो ये ज्यादा 11 करोड़ और 88 लाख मुस्लिम है वो कहां से आए? अगर ये जर शोधला जाईल किंवा शोधायला लागेल आणि आपल्याला परत इतिहासात जावं लागेल तर आपल्याला असं सांगता येईल की इस देश में जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है और जो अदर बैकवर्ड क्लास है माने ओबीसी है, ये लोग हिंदू धर्म से निजात पाने के लिए हिंदू धर्म को ठुकरा कर इस देश में क्या बने? मुसलमान बने। तो ये लोग कौन है? एससी एसटी और ओबीसी के लोग हैं। तो हमें ये जानना होगा और एक बात बहुत अच्छी तरह से समझनी होगी कि अगर हम हमारा इतिहास भूलेंगे तो हमारा हम भविष्य कभी नहीं निर्माण कर सकेंगे, और अगर हम हमारा भविष्य ही निर्माण नहीं कर सकेंगे तो हमारा इतिहास लिखेगा कौन? इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जो कौम हम अपना खुद का इतिहास भूलती है वो कौम अपना भविष्य कभी भी नहीं निर्माण कर सकती, वो कौम अपना इतिहास कभी भी निर्माण नहीं कर सकती। तो इस देश में ये साबित हो गया है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ये विज्ञान के आधार पर, पुरातत्व के आधार पर, मानव वंश शास्त्र के आधार पर, भाषा शास्त्र के आधार पर और खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण डीएनए अनुसंधान के आधार पर ये साबित हो चुका है कि मुसलमान इस देश का, इस मिट्टी का मूल निवासी है। अगर आप लोग केरल में जाएंगे तो वहां के मुस्लिम मलयालम बोलते हैं, अगर आप आंध्र में जाओगे तो तेलुगु बोलते हैं, तमिलनाडु में जाओगे तो तमिल बोलते हैं, कर्नाटक में जाओगे तो कर्नाटक बोलते हैं, बिहार भोजपुरी भाग इलाके में जाओगे तो वो भोजपुरी बोलते हैं, गुजरात में जाओगे तो वो गुजराती बोलते हैं, यही नहीं महाराष्ट्र में सांगली में जाओगे तो वो हिंदी तो दूर की बात है, मराठी और हिंदी को मिक्स करके बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ तक नहीं, जो बांग्लादेश है जहाँ पर मुसलमानों की खास तौर पर सत्ता चलती है, वहाँ के मुस्लिम भी उर्दू नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? बंगाली बोलते हैं। तो ये क्या भाषा शास्त्र कहता है? भाषा शास्त्र ये कहता है कि जो लैंग्वेज माँ की होती है वही लैंग्वेज बच्चों की होती है, माँ जो लैंग्वेज जानती है वही अपने बच्चों को सिखाती है, इसीलिए उसे मातृभाषा कहते हैं। बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हुए थे अब्दुल रहमान विश्वास, वो अनुसूचित जाति के मुस्लिम व्यक्ति थे। मतलब क्या? अनुसूचित जाति से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने थे और बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने थे। आपको मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश एक अलग देश है, उसकी एक अलग सत्ता है, उसका एक अलग संविधान है। इस तरह से 200% ये बात साबित हो गई है कि भारत ये खुद मुस्लिमों का ही देश है, ये कोई बदल नहीं सकता। एससी एसटी ओबीसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मिशन में शामिल हो जाइएगा। मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अब आती है बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, इस कार्यक्रम का नाम ही मुझे बताया गया था फाइट फॉर आजादी वुमेन्स रोल इन करंट सिचुएशन, है ना, वुमेन्स रोल इन करंट सिचुएशन। लेकिन ये पहली जो बातें मैंने बताई है, पहले सब जो मैंने कहा है वो यहाँ के पुरुष सत्ता पद्धति को बताया है, क्योंकि पुरुषों ने महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, और जब महिला घर से बाहर जाती है इतने बड़े संख्या के आधार पर वो एक जगह गैदर्ड होती है तो उन्हें अच्छी तरह की दशा और दिशा देने का काम हम मेरे जैसी पढ़ी लिखी महिला को करना चाहिए, और ये भाग्य मुझे मिला इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आज के तारीख में महिलाओं को आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि इस देश की आबादी का 50% हम है। अगर हम अपना कुटुंब अच्छी तरह से चला सकते हैं, समाज अच्छी
अच्छी तरह से चला सकते हैं अगर हम एक बच्चे को जन्म देकर उसे संस्कार देकर उसे पढ़ा लिखा कर इस देश का नागरिक बना सकते हैं तो इतनी हैसियत तो हमारी भी है कि हम देश भी चला सकते हैं। इसलिए हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए और आत्मविश्वास के लिए अच्छा नॉलेज होना चाहिए और अच्छे नॉलेज के लिए प्रबोधन होना चाहिए, पुस्तकें पढ़नी चाहिए और प्रबोधन के लिए ऐसे कार्यक्रम रखना बहुत जरूरी है। इस देश में जो पुरुषसत्ता पद्धति है वो हमें नहीं बदलनी है, सिर्फ हमें पुरुषों से कंधा मिलाकर काम करना है कि जो आप अब कर रही है और घर से बाहर निकलकर आपने जो पैर रखा है, आपने जो हिम्मत जुटाई है उसकी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करके दाद देती हूँ। लेकिन इस मिशन के तैयार करने के लिए हमारा इतिहास, वर्तमान और भविष्य, इन सबों की जानकारी खासकर महिलाओं को होनी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इतिहास हमें पढ़ाता है हम कौन थे, वर्तमान हमें सिखाता है हम क्या है और भविष्य हमें दिखाता है हम क्या होंगे। इसलिए इन तीनों बातें हमें अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। जिस सावित्री माँ को उनके ही घर के लोगों ने जब घर से बाहर निकाला तब फातिमा शेख ने उन्हें सिर्फ घर रहने को नहीं दिया, अपना तन मन धन उनको दिया और इस देश की बच्चियों को पढ़ाया और इस देश की बच्चियों को इतना आत्मविश्वास दिलाया कि वो इस देश में अपना अस्तित्व निर्माण कर सके। इस फातिमा शेख की बेटियां हम हैं, इस सावित्री माई की बेटियां हम हैं। जिस जिजाऊ माँ साहेब ने शिवाजी महाराज जैसे योद्धे को जन्म दिया, संभाजी राजे जैसे योद्धे को संवारा, संस्कार दिया, उस जैसे जिजाऊ माँ साहेब की हम बेटियां हैं, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। जब पंडित लाल नेहरू ने बाबा साहेब को, मैं खासकर बताना चाहती हूँ कि पंडित लाल नेहरू कांग्रेस चलाते थे, पंडित लाल नेहरू ने बाबा साहेब से कहा कि तुम शेड्यूल्ड कास्ट हो, तुम अछूत हो, तुम अस्पृश्य हो, तुम छूने लायक नहीं हो, तुम हमारे साथ बैठने लायक नहीं हो, इसलिए संसद के दरवाजे तो क्या तुम्हें खिड़कियां भी खुली नहीं मिलेंगी जहां से तुम झांक सको। और जब ये बात बांग्लादेश के मुस्लिमों को पता चली तो बांग्लादेश के मुस्लिमों ने बाबा साहब को इनवाइट किया और जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपनी कुर्सी खाली की और बांग्लादेश के मुसलमानों ने बाबा साहब को जिता कर संसद में भेज दिया, जिसके कारण आज संविधान लागू हो गया। ये संविधान इस देश में सबको हक और अधिकार देता है। लेकिन आज मुसलमानों की इस 70 और 72 साल में, मुसलमानों की ही नहीं, SC ST OBC और मुसलमानों की इस 72 सालों में क्या औकात रह गई है भारत में, मैं आपको बताती हूँ कि क्या औकात है अपनी। अर्जुन सेन गुप्ता की एक रिपोर्ट कहती है कि इस देश में 83 करोड़ लोग एक दिन में सिर्फ एक टाइम का खाना खाते हैं, उनकी इनकम 620 रुपए के लगभग है, दिन में सिर्फ वो 620 रुपए के लगभग कमाते हैं और पेट काटने के लिए सिर्फ एक ही टाइम का खाना खाते हैं। ऐसे इस देश में 83 करोड़ लोग हैं, 83 करोड़। 15 करोड़ लोग, युवक और युवती इस देश में बेरोजगार हैं, 45 लाख बच्चे भीख मांग रहे हैं, 30 लाख बूढ़े और वृद्ध इस देश में भीख मांग रहे हैं, 18 करोड़ लोग झोपड़पट्टी में निवास करते हैं, 25% लोग को ठीक से पानी भी पीने को नहीं मिलता, हर रोज 50,000 बच्चे यहाँ मरते हैं, 65% लोगों को संविधान की जानकारी भी नहीं है और हम जो पढ़ा लिखा भारत बनाने में जुटे हैं, यहाँ के 75% पढ़े लिखे लोगों को देश कैसे चलता है इसकी जानकारी भी नहीं है। यह औकात है हमारी इस भारत देश में। सबसे पहले उन्होंने चर्चा शुरू की कि जो लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं उस घुसपैठियों के लिए NRC लागू होगी, वो पहले चर्चा करते हैं और फिर बाद में उस चर्चा को क्या अंजाम मिलता है वो उसकी राह देखते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस देश में जो आसाम में NRC लागू की गई, उस आसाम के NRC में लगभग 19.5 लाख लोग इस NRC से नागरिकत्व से डिलीट हो गए और इस 9.5 लाख में 19 लाख में 5 लाख मुस्लिम थे और बचे हुए 14.5 लाख लोग SC ST OBC है। तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि संख्या के अनुपात में अगर देखा जाए तो ये NRC किसके विरोध में है?
किसके विरोध में है? एससी एसटी ओबीसी के विरोध में है। सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए और हिंदू और मुसलमान झगड़े लगाने के लिए ये क्या कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों के विरोध में है। आरएसएस कहती है ये मुस्लिमों के विरोध में है, कांग्रेस कहती है मुस्लिमों के विरोध में है, यहाँ तक कम्युनिस्ट भी कहती है कि ये मुस्लिमों के विरोध में है। और जो इस संविधान का फोर्थ पिलर माना जाता है, संविधान विधायक का फोर्थ पिलर माना जाता है, वो मीडिया भी क्या प्रचार करती है कि ये सब मुस्लिमों के विरोध में चल रहा है, लेकिन नाम मुस्लिमों का है। उन्होंने बंदूक मुस्लिमों पर रखी है, लेकिन गोलियां किस पर झाड़ने वाले हैं? एससी एसटी और ओबीसी पर झाड़ने वाले हैं। तो मैं गुजारिश करती हूँ, हम आपको साथ सहयोग नहीं दे रहे, आप लोगों ने हमें साथ सहयोग देना है। और इस ये जो कारवां अभी चल रहा है, ये जो मिशन अभी चल रहा है, आपके साथ सहयोग से हम सफल नहीं होंगे। आप एक बात जान लीजिए कि ये जो नौकरियां है खत्म हो गई है, रिजर्वेशन खत्म हो गया है, शिक्षा खत्म हो गई है, सबसे ज्यादा नुकसान भारत के मूल निवासियों का हो गया है। और ये गधा अमित शाह कह रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अब हम हंसे या रोए ये बहुत बड़ी बात है। जिस भारत देश में हमारा एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम भाइयों की पहचान मिटाई जा रही है, वहां ये अमित शाह क्या कह रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। अगर वो भारत में आना चाहे तो हिंदू के नाम पर रजिस्टर करके हम उनसे नागरिकत्व दे सकते हैं। बल्कि पाकिस्तान में जो मुसलमान है वो अगर भारत में आना चाहते हैं तो हम उनको नागरिकता नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? फाड़नी अभी करायला सांगितली होती नव्हती? फाड़नी तुम्ही तुमच्या राज्य सत्तेसाठी केली आणि इथले मुसलमान पाकिस्तान मध्ये घालवले, ते आज तिथं मुहाजिर म्हणून राहतात। त्या मुहाजिरांच्यावर अजूनही तेवढा अन्याय अत्याचार होतो जेवढा कदाचित हिंदूंच्यावर होत असेल असं आपण मानूया। इसका मतलब है कि वहां सिर्फ हिंदूंवर अत्याचार नहीं होता, भारत में जो लोग वहां गए पाकिस्तान में जो मुहाजिर बन के रह गए उन पर भी अन्याय अत्याचार होता है। तो ये इनकी नैतिक जबाबदारी आहे कि त्यांनी त्यांना सुद्धा बोलवावं आणि नागरिकता द्यावी। यासाठी आपण सगळ्यांनी एकत्र यावं आणि प्रत्येक गोष्टीचा सारासार विचार करून प्रत्येक गोष्टीचं ज्ञान घेऊन आपण एनआरसी सीएए आणि सीएबी विरोधात आंदोलन आणि मिशन जे आपण करणार आहोत, हे एससी एसटी ओबीसी आणि मुसलमानांनी सगळ्यांनी मिळून करायचं आहे। यामध्ये ख्रिश्चन बौद्ध जैन सिख यांनी सुद्धा सामील झालं पाहिजे, कारण आपलं जर अस्तित्वच राहणार नाही तर आपण कुणाचाही धर्म वाचवू शकणार नाही, कुणाचाही धर्माचे जे नीती नियम आहेत ते वाचवू शकणार नाही। त्यामुळे पहिल्यांदा माणूस वाचला पाहिजे आणि मग धर्म वाचला पाहिजे। आणि शेवटची अगदी दोनच मिनिटात मी सांगते, कारण एसटी ओबीसी स्टॉप असा मला मेसेज आलेला आहे, पण मी दोन मिनिटात सांगते की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ज्या मशीनच्या द्वारे तुम्ही ज्या लोकांना राज्य सत्तेवर बसवलं ती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग म्हणजे ईव्हीएम हे अतिशय फ्रॉड आहे। ती आजच्या युगातली मनुस्मृती आहे की जी मनुस्मृती तुमचे सगळे हक्क आणि अधिकार हिसकावून घेते, तुम्हाला माणूस म्हणून जगण्यापेक्षा जनावरांची अवकात देते, अशी मनुस्मृती आज ईव्हीएमच्या स्वरूपात आलेली आहे। त्यामुळं तुम्हाला ज्यांना निवडून द्यायचं आहे ते सत्तेवर बसत नाहीत, तुम्हाला ज्यांना निवडून द्यायचं नाहीये ते लोक सत्तेवर बसतात। मग ते काँग्रेस असतील, बीजेपी असतील किंवा कम्युनिस्ट असतील, कुणीही या देशाचं एवढ्या 72 वर्षांमध्ये भलं केलेलं नाहीये आणि इथून पुढेही ते करणार नाहीत। त्यामुळं बहुजन क्रांती मोर्चा या बॅनर खाली प्रत्येकाने स्वतःचे बॅनर, स्वतःचे अजेंडे, स्वतःचा रंग घेऊन यावं आणि आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन ह्या एनआरसी विरुद्ध एक हाक द्यावी आणि ही बंद करावी, म्हणजे आणि राज्य सत्ता उलथून टाकून व्यवस्था